Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, students. Hope you will fine. Today we will start our fifth unit, which is the six blind men and the elephant. Students, open your books, page number 14. This is a poem. This lesson is based on a poem. ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसमें एक स्टोरी बयान की गई है सिक्स ब्लाइंड मैन के बारे में, कि जब उन्हें एक एलिफेंट की ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा जाता था तो कहा गया था तो उन्होंने क्या चीज उसमें ऑब्जर्व की थी। बच्चे, ये जो स्टोरी है ये आज से तकरीबन 2500 पहले हिंदुस्तान में बयान की गई थी, तो ये तब से ये स्टोरी उसी तरीके से हम तक पहुंची है। तो बच्चे, आप अपनी बुक्स खोल लें, हम अपना आज का यूनिट स्टार्ट करते हैं, द सिक्स ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। छह नाबीना लोग, नाबीना आदमी और हाथी। इट वॉज सिक्स मैन ऑफ हिंदुस्तान टू लर्निंग मच इंक्लाइंड हु वेंट टू सी द एलिफेंट दो ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड डेट ईच बाय ऑब्जर्वेशन माइट सेटिस्फाई हिज माइंड। इसमें क्या कहा जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में, कि इट वॉज सिक्स मैन ऑफ हिंदुस्तान, कि एक दफा हिंदुस्तान के छह आदमी टू लर्निंग मच इंक्लाइंड, जिन्हें सीखने का बहुत ज्यादा शौक था, इंक्लाइंड शौक था, वो रागिब थे सीखने की तरफ, हु वेंट टू सी द एलिफेंट, जो कि एक हाथी को देखने गए, दो ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड, अगरचे वो सब ब्लाइंड थे यानी कि नाबीना थे, वो नहीं देख सकते थे, दैट ईच बाय ऑब्जर्वेशन माइट सेटिस्फाई हिज माइंड, लेकिन उन सब ने, उनका ये था कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन से, मुशाहदे से अपने माइंड को सेटिस्फाई कर सकें। द फर्स्ट अप्रोच द एलिफेंट, जो पहला था वो जैसे ही हाथी के नजदीक गया, एंड हैपनिंग टू फॉल, तो उसे उसने एक देखा, मीन्स के वो ज्यादा जल्दी में था, उसने ये महसूस किया कि अगेंस्ट हिज ब्रॉड एंड स्टर्डी साइड, कि वो पहले ही जब गया तो वो बच्चे उसके पेट वाली साइड की तरफ गया, ये देखें इस साइड पे वो गया था, तो उसने क्या किया, अगेंस्ट हिज ब्रॉड, कि वो बहुत ज्यादा चौड़ी और स्टर्डी मजबूत किस्म की साइड उसे लगी, यानी कि इसका ये पेट वाला हिस्सा उसे बहुत मजबूत और चौड़ा लगा, एट वंस बिगेन टू बॉल, बॉल कहते हैं बच्चे चलाने को, चीखने चलाने को, शोर मचाने को, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, ब्लेस मी, ब्लेस मी, बच्चे यहाँ पे मुहावरा इस्तेमाल हुआ हुआ, ब्लेस मी यानी कि मेरा यकीन करो, इट्स सीन्स द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ वॉल, कि ये जो हाथी है ये एक दीवार की तरह है। द सेकेंड फीलिंग ऑफ हिज टस्क, टस्क कहते हैं बच्चे नोकीला, जो लंबा दांत होता है उसको कहते हैं, जो दूसरा था उसने क्या किया, उसने फौरन से छुआ, महसूस किया यानी कि उसके नोकीले दांत को, क्राइड, और वो चिल्लाया हो, देखें बच्चे ये इन्वर्टेड कॉमास में, ये जो हो है ये डायलॉग शुरू होने के लिए ये वर्ड्स जो पोएट है ये यूज कर रहे हैं, और इसमें ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हम खुशी के लिए जब खुशी का कोई जुमला इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं, हो व्हाट हैव वी हियर, कि यहाँ पर क्या चीज है, सो वेरी राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प, कहते हैं कि ये देखें, इसको कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा गोल है, राउंड है, स्मूथ यानी हमवार है, और बहुत ज्यादा तेज है, टू मी टिस, ये टिस है बच्चे, इसे कहेंगे हम पढ़ेंगे इट इज, टू मी इट इज माइटी माइटी क्लियर, तो कहता है कि ये बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल वाजिया चीज है, दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्फीयर, कि ये जो हैरान कौन हाथी है ये बिल्कुल एक नेजे या बर्छे की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं द थर्ड अप्रोच द एनिमल, जो जब तीसरा उसके नजदीक आया या उस तक पहुंचा, हाथी के नजदीक तक, एंड हैपनिंग टू टेक द स्क्विर्मिंग ट्रंक, स्क्विर्मिंग ट्रंक विद इन हिज हैंड्स, देन बोल्डली अप एंड स्पेक, आई सी क्विथ ही द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्नेक, कहते हैं कि जो तीसरा था वो जैसे ही हाथी के नजदीक आया, एंड हैपनिंग टू टेक, और उसने उसको महसूस किया, जैसे द स्क्विर्मिंग ट्रंक, कहते हैं उसने जैसे ही उसके कमर पर, उसके ट्रंक पर हाथ फेरा, विद इन हिज हैंड, उसने अपना हाथ फेरा उसके ट्रंक पे, ठीक है ना,
तो क्या हुआ बच्चे, देन बोल्डली अप एंड स्पेक। अब बच्चे ये जो स्पेक है ये आमतौर पर वर्ड नहीं है, ये कहा जाता है स्पेक बोलने को कहा जाता है, ये स्पीक होता है स्पोक और स्पोकन थर्ड फॉर्म स्पोकन है, लेकिन यहाँ पे स्पेक है ये आमतौर पर वर्ड नहीं है लेकिन इसका मीनिंग बोलना है। ये जब पोएट अपनी शायरी कर रहे होते हैं तो ये राइमिंग वर्ड्स यूज करने के लिए, जैसे हैपनिंग टू टेक, टेक के साथ स्पेक उन्होंने करने के लिए राइमिंग वर्ड्स यूज करने के लिए बनाने के लिए उन्होंने इसको स्पेक कह दिया। ठीक है, आई सी क्विट ही द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्नेक, तो उसने कहा कि मेरा यकीन करो, यानी कि ये जो हाथी है ये बिल्कुल एक सांप की तरह है। द फोर्थ स्ट्रेट आउट हिज ईगर हैंड, ईगर बच्चे कहते हैं शौक को, हमने पहले भी पढ़ा कि वो बहुत ज्यादा जो ब्लाइंड मैन थे इन्हें बहुत ज्यादा लर्न करने का, उन्हें सीखने का लर्निंग के वो ईगर थे, बहुत ज्यादा शौकीन थे। ठीक है ना, तो जो चौथा था वो जल्दी से गया और उसने हाथ लगाया अपना फैलाया, स्ट्रेच कहते हैं फैलाने को, यानी कि उसने जल्दी से अपने शौक से उसने हाथ फेरा। एंड फेल्ट अबाउट द नी, और उसने उसका घुटने को महसूस किया। What most this mighty beast is like, ये इतना बड़ा दरिंदा किस चीज की तरह है, वो कह रहा है कि इतना बड़ा दरिंदा किस तरह है, इट्स mighty plain quick ही, कि ये तो बिल्कुल हमवार है, ये जो बहुत बड़ा दरिंदा है ये तो बिल्कुल mighty plain, ये तो बिल्कुल हमवार है। quick ही उसने कहा, This clear, this यानी कि it is clear enough the elephant is very like a tree, कि ये कहा जा सकता है कि जो दरख्त है ये जो हाथी है ये बिल्कुल एक दरख्त की तरह है। The fifth who chanced to touch the ear, जो पांचवा था उसे मौका मिला उसके कान को छूने का, said even the blindest man, उसने उस जो नाबीना आदमी था उसने कहा, can tell what this resemble most, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि ये बहुत ज्यादा किस चीज से मुशाबत रखता है। डिने द फैक्ट हु कैन, डिने कहते हैं जुटलाने को, ठीक है ना, द फैक्ट हु कैन, कि उसकी इस हकीकत को कोई भी नहीं जुटला सकता। दिस मार्वल ऑफ एन एलिफेंट, के ये हैरत अंगेज किस्म का हाथी, इज वेरी लाइक अ फैन, के ये एक किसकी तरह है, ये एक पंखे की तरह। फैन बच्चे वो किसको कह रहा है, हाथ वाले पंखे का कह रहा है, उसके कान पे हाथ लगता है ना तो वो हाथ वाले पंखे के बारे में उसका कह रहा है। द सिक्स No sooner had begun about the beast to grow than seizing on the swinging tail that fell within his scope, I see, cried he, the elephant is very like a rope. अब क्या कह रहे हैं कि जो सिक्स था वो उसने जल्द ही उसने कहना शुरू कर दिया कि ये जो बहुत बड़ा, उसने क्या किया, अबाउट द बीस्ट टू ग्रोप, ग्रोप कहते हैं बच्चे टटोलने को, ठीक है ना, देखने को, जो छठा था उसने भी जल्दी से तेजी के साथ उसने उस दरिंदे को यानी कि हाथी को टटोलना शुरू कर दिया। देन सीजिंग, फिर उसने पकड़ा, सीजिंग किसे कहते हैं, पकड़ा ऑन द स्विंगिंग टेल, स्विंगिंग कहते हैं बच्चे लहराती हुई, उसने उसकी दुम को पकड़ा। That fell within his scope. Scope कहते हैं जो कि उसकी पहुंच में, that fell और उसने महसूस किया जो कि उसकी पहुंच में थी, यानी कि छठे की पहुंच में उसकी दुम आई। I see, cried he, the elephant is very like a rope. मैं देख सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ कि एलिफेंट जो है वो एक रस्सी की तरह है। उसने क्या किया, क्राइड करना, चिल्लाना शुरू कर दिया था। एंड सो दीज मैन ऑफ हिंदुस्तान डिस्प्यूटेड लाउड एंड लॉन्ग, अब ये जो जितने भी हिंदुस्तान के ये जो आदमी थे इन्होंने डिस्प्यूटेड कहते बच्चे झगड़ा करने को, लड़ाई झगड़ा करने को, लाउड बुलंद आवाज में एंड लॉन्ग, और बहुत देर तक वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे। ईच इन हिज ओन ओपिनियन एक्सीडिंग स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, हर कोई अपनी जो राय थी उसमें एक्सीडिंग कहते हैं बच्चों बहुत ज्यादा स्टिफ यानी कि मजबूत था, सख्त था, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत था, हर कोई अपनी राय में ठीक था। दो ईच वॉज पार्टली इन द
ईच वॉज पार्टली इन द राइट, अगरचे हर कोई थोड़ा ठीक था अपने उसकी राय जो थी ठीक थी, एंड ऑल वर इन द रोंग, लेकिन वो जो बसब थे वो गलत थे। यानी कि बच्चे इसका नतीजा ये है कि जिस तरीके से मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आप कहो कि माउस जो होता है छोटा सा उसे कंप्यूटर कहते हैं, दूसरा बोले स्पीकर को कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड को कहा जाता है, कुछ कहे नहीं सीपीयू को कहा जाता है, स्क्रीन को कहा जाता है। हर बच्चा कहे तो ठीक रहा होता है, लेकिन उन्हें पूरी डेफिनेशन के ये सारी चीजें मिलके तो एक कंप्यूटर बनती है। इसी तरीके से उन्होंने इसको भी कहा, ठीक है ना, एलिफेंट को सही जज नहीं कर सके थे। अब लर्निंग, मालूम करना, जानना, इंक्लाइंड, रागिब होना, ब्लाइंड, अंधे, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना, सेटिस्फाई, मुतमिन, माइंड, दिमाग, अफर्ट, नजदीक जाना, हैपनिंग, वाकया, ब्रॉड, चौड़ा, स्टडी, मजबूत, बॉल, चीख मारना, टस्क, लंबा नुकीला दांत, स्मूथ, हमवार, शार्प, तेज, स्क्वेयर, बर्चा, ठीक है, स्क्विर्मिंग, बदहवासी या परेशानी जाहिर करना, ट्रंक, तन्ना, हाथी की सूंड, उसको कह रहे हैं, बोल्डली, दिलेराना, क्विट, कहा बोला, स्ट्रेच, फैला हुआ, ईगर, शौकीन, आर्जुमंद, बीस, दरिंदा, डिने, इनकार करना, मॉरविल, हैरत अंगेज, सुनर, जल्द ही, बीस, दरिंदा, ग्रुप, टटोलना, सीजिंग, पकड़ लेना, स्कोप, नियत, इरादा या पहुंच, ठीक है, हमने सबक में पहुंच इसका मानी इस्तेमाल किया, रोप, रस्सी, डिस्प्यूटेड, झगड़ा, ओपिनियन, राय, एक्सीडिंग, बहुत ज्यादा, स्टिफ, सख्त, थॉट, सोचा, अगर दो, अगरचे, रॉन्ग, गलत, ठीक है। देखे बच्चे, इसमें इट्स अ फैन वो कह रहा है, इट्स अ स्फीयर ये एक बर्छा है, तीर, इट्स अ स्नेक जिसने लेग को टच किया, इट्स अ ट्री, इट्स अ वॉल, ठीक है, इट्स अ रोप। ये देखे साहब, सब ने अपने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। अब आपने क्या करना है बच्चे, इसने कहा लर्निंग, रीडिंग एंड वर्ड्स मीनिंग विल बी डन ऑन योर नोटबुक। आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छे तरीके के साथ और इसके वर्ड्स मीनिंग अपनी नोटबुक पे लिखनी।